तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपके नंबर पे किसी ने पीडीएफ भेजी है या आपके पास ऑलरेडी पहले से पीडीएफ पड़ी होती है या फिर आपने गूगल ड्राइव से पीडीएफ ओपन कर रही हो या फिर आपने गूगल क्रोम से ऑलरेडी पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा है और आप लोग इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, इस एरर को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ सबसे पहले इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को व्हाट्सअप अपडेट करना है। पहले सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, देन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सअप टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सअप टाइप करेंगे, इस तरीके से आपको व्हाट्सअप लिखना है। और WhatsApp लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है। ठीक है, WhatsApp किया और यहाँ पे सर्च कर देते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आपका अपडेट देखने को मिलेगा तो आप लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, WhatsApp को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐप इन्फो पे आएंगे। ठीक है, ऐप इन्फो पे आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपको परमिशन पे क्लिक करेंगे और आप लोगों को एक एक करके सारी परमिशन इस तरीके से अलाउ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कई सारी परमिशन ऑलरेडी अलाउ कर सकता हूँ और आप लोग मैं ऑलरेडी यहाँ पे अलाउ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आप लोगों को अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को प्ले स्टोर फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, सर्च एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको यहाँ पे, आप पी डी एफ टाइप करेंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे और यहाँ पे पीडीएफ के नाम से ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आपको फॉलो करना है। 100% आप लोग पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, देख सकते हो पीडीएफ ओपन हो जाती है। इसको आज इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आप लोग अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपकी कौन सी पीडीएफ होती थी वो आपकी ओपन नहीं हो रही थी, आपको वही पीडीएफ को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज मानो ये वाली पीडीएफ है, इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टच के और ओपन हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। पहले क्या होता था, पहले पीडीएफ ओपन करता था और यहाँ पे साइड में जो एरर आ रहा था आपको इस तरीके से एरर देखने को मिल जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कई सारी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, इसको अलाउ करेंगे और यहाँ पे आप लोग पीडीएफ इस तरीके से आसानी तरीके से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।